था कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप लोग भी कहते होंगे कि ये कैसा ब्लॉगर है जो अपना इंट्रो नहीं करवाता और डायरेक्ट ब्लॉगिंग की तरफ चल पड़ता है। तो गाइस, मेरा नाम इशबान है और मैं बेसिकली गुजरांवाला से हूँ। तो गाइस, आज का सीन कुछ इस तरह का है कि मैं पहले, गाइस मैं आपको रियल चीज़ बताता हूँ कि मैं बहुत परेशान था। जैसे मैंने फ़र्स्ट व्लॉग तो बना लिया कि अपनी जो आर्ट्स की एग्जीबिशन थी उस पर मैंने ब्लॉग बनाया और वो अच्छा गया। अब मैं यही सोच रहा था रात को भी, सोते हुए भी, कि मैं स्टोरी क्या बनाऊँ। स्टोरी तो मुझे पता ही नहीं कि अगले ब्लॉग की मैं क्या स्टोरी बनाऊँ जिसे मुझे लोग देखें, व्यू जो मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उन्होंने इसीलिए किया ना कि आइंदा आने वाली वीडियोस को भी हम इंजॉय कर सकें। तो गाइस, अचानक ही बाबा की ना मेडिसिन नहीं थी तो मैं वो लेने गया। तो रास्ते में क्या मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी एक अपने एक प्लांट को, जिसका पॉट टूट गया था, तो उसने वो प्लांट को रोड के दरमियान में फेंक दिया। मतलब रोड दरमियान में नहीं, मतलब दरमियान ही कह सकते हैं, मतलब साइड पे थोड़ा करके। तो वो देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि एक, अगर वो डेड प्लांट होता तो बंदा कहता कि ठीक है वो डेड प्लांट है, वो उसकी नहीं ग्रोथ हो सकती, लेकिन वो अच्छा वाला मतलब लाइव प्लांट है, वो भी एक लिविंग थिंग ही है। तो गाइस, मैंने उसी टाइम ही मेडिसिन ली और उस प्लांट को रेस्क्यू कर लिया। तो गाइस, ये एक मेरा लॉस हुआ कि उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, वरना मैं आपको, वरना मैं उसका क्लिप बना लेता और आपको दिखाता। तो अब उस प्लांट की तरफ मैं आपको ले कर चलता हूँ, वो प्लांट है कौन सा और उसको अब हम क्या करेंगे उसके साथ और उसको कैसे हम एक नई ज़िंदगी में हम उसको अब लाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और बनिए रहिए और इन्जॉय करें। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, ये वो प्लांट है, ये जो टब में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं जब रात को लेके आया तो इसका पॉट तो नहीं था, मैंने इसको ना पानी में डिप करके रखा। गाइस, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये गाइस एरिका पाम जैसा लगता है लेकिन ये एरिका पाम है नहीं। ये इसको मैंने गूगल भी किया और गूगल से देखा तो गाइस इसका नाम है पॉलर पाम। तो अब चलते हैं, इसको देखें गाइस, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है लेकिन ये लाइव है, ये ग्रो हो सकता है, तो अभी हम इसको नई ज़िंदगी देंगे। गाइस, आप लोग देख रहे हैं ये पॉलर पाम है, ठीक है, और इस, ये एरिका पाम जैसा लगता है लेकिन ये एरिका पाम है नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि मुझे इतना प्लांट्स के बारे कैसे पता। गाइस, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है और मैंने एक व्लॉग मैं बनाऊँगा अपने प्लांट्स पर भी। तो अभी चलते हैं इसकी तरफ। गाइस, अभी ये देखें, आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ना ये अंदर सूखा सूखा सा, ये सूखे पत्ते वगैरह, तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। अभी इस पौधे के लिए तो मैं एक उर्दू में कहते हैं नाई, और तो गाइस करते हैं शुरू इसकी कटिंग। जैसे कि मैं इसकी सफाई कर रहा था, इसकी कटिंग कर रहा था, तो वो काम अब हमारा हो गया है और अब जो काम रह गया है वो ये है कि अब हम इसके लिए एक पॉट लेके आएंगे, ठीक है, नर्सरी से। तो उसके लिए अब हमें नर्सरी जाना होगा। ये शेडो आ रहा है, मतलब ये अब ठीक है। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अब हमें नर्सरी जाना होगा इस प्लांट के लिए एक पॉट लाने के लिए, और अब हम नर्सरी जाएंगे और इसके लिए एक पॉट लेके आएंगे। तो चलिए नर्सरी, और साथ आपको नर्सरी का विज़िट भी करवाते हैं कि गुजरांवाला में नर्सरी कैसी है, और आप आना चाहते हैं तो ज़रूर उस नर्सरी में विज़िट कर सकते हैं। तो बनिए रहिए मेरे साथ, तो चलते हैं नर्सरी की तरफ। गाइस,
गाइस अभी हम रास्ते में हैं और नर्सरी जा रहे हैं, और जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे हम आपको वहाँ नर्सरी विजिट भी करवाएंगे। नर्सरी आ चुके हैं और ये नर्सरी है, और अब मैं आपको नर्सरी का जो नर्सरी है हम आप विज़िट करते हैं, और आप मुझे बताइएगा कि आपको नर्सरी कैसी लगी, और चलिए देखते हैं नर्सरी को। गाइस ये सारे जो है कैक्टस हैं, ये कैक्टस की सारी ब्रीड है, ये देखें ये सारी कैक्टस हैं। ये देखें ये हाबिल है जो कि मस्तियाँ कर रहे हैं, ये भी एक मेरा नेबर है, और हम तीनों आए हैं नर्सरी और अब मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ये देखें गाइस ये बहुत प्यारी नर्सरी है, और मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं ना वो यहाँ से लेके गया हूँ। ये देखें जना, अब ये जिसको पाकिस्तान में कंगी पाम कहते हैं ये वो है, और इसको वैसे इसका नाम है पैथोस ऐसे कुछ करके इसका नाम है। तो अभी हम चलते हैं आगे। ये है जनाब वो लेमन ग्रास जो कि लोग बहुत शौक से घरों में उगाते हैं और इससे फ़ायदा होता है। ये देखें गाइस ये इस पौधे का नाम जो है कार्डबोर्ड प्लांट है, क्योंकि इसको कार्डबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो लीव है ना वो सेम एज कार्डबोर्ड की तरह। और आगे चलते हैं आगे गाइस, मुझे इतना मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो प्लांट है ये गाइस ये है फाइकस है, ये इसके अंदर वाइट भी है ग्रीन भी है, और ये डिफरेंट काइंड के जो फाइकस प्लांट्स हैं ये वो हैं। तो गाइस आज हमने उस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और ये देखें हम उसके जो पॉट है उसके अंदर अब हम मिट्टी भर रहे हैं। तो ये देखें मिट्टी भरी जा रही है, और जैसे ही हम घर पहुँचते हैं तो मैं आपको अगला सीन। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं घर आ चुका हूँ, और मैं इसका पॉट भी ले आया हूँ, और वो मैंने ऊपर अपनी छत पे रख दिया है। तो अब हम इस प्लांट को छत पे लेके जाते हैं और इसे उस पॉट के अंदर लगाते हैं ताकि ये अच्छा और बहुत अच्छा ग्रो हो सके। तो चलिए इसको छत पे लेके चलते हैं। ये रहा इसका पॉट और ये रहा वो प्लांट। तो अभी हम मैं इस जो पॉट को खाली करता हूँ और इसको इस प्लांट को इसके अंदर लगाता हूँ, तो आप देखते रहिएगा। मैंने जो प्लांट रेस्क्यू किया था उसको मैंने नए पॉट के अंदर नई सॉइल के अंदर कर दिया है मैंने कन्वर्ट। तो अब आप देखिए अब मैं इसको पानी दे रहा हूँ, और ये देखें गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरा इस तरह का अगर मैं और भी व्लॉग बनाऊं तो वो आप तक पहुंचे। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि किसी भी अगर आपको ऐसा ही कोई प्लांट नज़र आए तो प्लीज़ उसी मेरी तरह नहीं, मतलब आप कहीं उसे और बाहर इतनी जगह हैं ग्रीन बेल्ट हैं आप उधर लगा दीजिए, लेकिन उन्हें ज़ाया मत कीजिए। और दूसरा ये कि मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि गाइस आपके इस कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता रहूँगा। और ऐसे ही देखते रहिए मेरा चैनल हिडन हैंड्स,